आज के फंडे के विनिंग सीरीज 93 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेयर इज पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? भाई पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ए मनाली, बी गंगटोक, सी दार्जिलिंग, डी लेह। जल्दी क्लिक करो, किया सिंगल लाइन क्वेश्चन है। आंसर इज सी दार्जिलिंग। क्यों न्यूज में देख लेते दोस्तों, भाई न्यूज में ऐसा है कि फिलहाल में ये जो है अपना इसका फर्स्ट रिबिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे रेड पांडा का, और पद्मजा नायडू जो पार्क है वहां से 20 जो है पांडास वो छोड़े जाएंगे सिंगालीला नेशनल पार्क। अब ये पार्क जो है पद्मजा नायडू पार्क, ये 2000 मीटर अबव द सी लेवल, इतने ऊपर पे हाई एल्टीट्यूड जू में आता है ये। सक्सेसफुली कैप्टिव ब्रीडिंग हो गई थी रेड पांडा की, है ना। अब ये जू के कोऑर्डिनेशन से इसका कंजर्वेशन हो गया और अभी इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सिंगालीला और नेवरा वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे जो वाइल्ड पोजीशन में है वहां पे इनकी संख्या धीरे 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 कम हो रही थी। सो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया में रहने के बावजूद भी संख्या कम हो रही थी, तो ये डेंजर सिनेरियो था। अब कैप्टिविटी में जो आ गए बन गए हैं 20, वो छोड़े जाएंगे ताकि उनके नेचुरल हैबिटेट में वो रह सके। सी द ब्यूटिफुल पांडा, उसका साइंटिफिक नाम है अलुरुस फुलजेंस। ये एंडेंजर स्पीसीज है IUCN जो है रेड लिस्ट, इसके थ्रेटन स्पीसीज में आता है, ठीक है। शाय है, सॉलिटरी है, आर्बोरियर है, ठीक है, पेड़ पर रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, बड़ा शाय की संख्या, छुप जाता है, ओके। कंसीडर्ड एज अ इंडिकेटर स्पीसीज फॉर इकोलॉजिकल चेंज, इकोलॉजिकल चेंज के लिए एक जो है बड़ी लिंक मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली वन स्टडी बाय क्लाइमेटोलॉजिस्ट अबाउट ग्लेशियर रिसीडिंग इन द ड्रास रीजन ऑफ लद्दाख कंडक्टेड। हाल ही में क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की ड्रास रीजन जो है लद्दाख का, वहां पे ग्लेशियर रिसीडिंग हुआ है ना, ग्लेशियर कम होते जा रहा है ना, उसके बारे में स्टडी की। अकॉर्डिंग टू द स्टडी विच कंसिडर्ड एज अ मेजर फैक्टर फॉर द फास्ट ग्लेशियर मेल्टिंग, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मेजर फैक्टर माना जाता है ग्लेशियर मेल्टिंग फास्ट हो रहा है? ए इंक्रीजिंग ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, बी इंक्रीजिंग ह्यूमन हैबिटेट सेटलमेंट, सी डिक्रीजिंग स्नोफॉल बिलो द स्नो लाइन ड्यूरिंग विंटर, एंड डी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट रेनफॉल। चार ऑप्शन है, चार में से एक आपको चूज करना है। कर लिया, वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं। ए शाबाश, करेक्ट आंसर, यस, इंक्रीजिंग ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन। आप देखो कि बर्फ पर जो कार्बन कॉन्सेंट्रेशन हो गया है सपोज टू बी, है ना, ब्लैक पैचेस आ गए, तो ऑब्वियसली सन रेज जो है ना, सन रेज से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, हीट एब्सॉर्ब कर लेगी तो मेल्टिंग बढ़ जाता है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। चलो देख लेते हैं भाई क्या रीजन है। ऐसा है कि ये ड्रास रीजन बड़ा पॉपुलर हो गया था 1999 के कारगिल वार में। अब यहां से बनाइए, देखो ये ड्रास रीजन है, ये कारगिल है ना, ये क्या है भाई, तो ये नेशनल हाईवे बनाया है। ऑब्वियसली नेशनल हाईवे से बहुत सारी हेवी व्हीकल्स है वहां से जाती है, जर्नी करती है, और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उससे कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, कार्बन फ्यूल निकल रहा है, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब सैटेलाइट इमेज से ये स्टडी की 77 ग्लेशियर्स के आधार पर, और पता चला कि ये जो है नेशनल हाईवे, इसके नजदीक जो ग्लेशियर से वो जो जल्दी जो है मेल्ट हो रहे, और जो दूर है वो कम मेल्ट हो रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो फॉसिल फ्यूल जो है, मतलब डीजल पेट्रोल है, उसका धुआं है वहां पे जा रहा है, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, और इसलिए वो ज्यादा पैमाने पर जो है विदर्ड हो रहे। ऑब्जर्वेशंस थोड़ा सा देख लेते, स्टडी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे के वैसे कभी आ सकते हैं। क्लीन ग्लेशियर्स लूजिंग 5% मोर देन डेब्रीज कवर्ड ग्लेशियर्स, क्यों? डेब्रीज कवर्ड से धूप जो है कम मिलती है ना, क्लीन इस पे ये कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो इजिली
ये मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर एट लोअर एलिवेशन रिसीड फास्ट कंपेयर टू द हायर एलिवेशन ग्लेशियर्स, ऊपर में जो है उससे ज्यादा जो नीचे में वो ज्यादा फास्ट रफ्तार से जो है मेल्ट हो रहे। हेवी व्हीकलर मूवमेंट इज अ मेन कॉज ऑफ अ रैपिड पेस ऑफ रिसीडिंग ग्लेशियर ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ ब्लैक कार्बन एमिशन, ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है इसी वजह से कार्बन एमिशन जो है कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ग्लेशियर क्लोज टू द नेशनल हाईवेज हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द ग्लेशियर हेल्थ, ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ज्यादा धुआं वहां पे जा रहा है। हेवी व्हीकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ ब्लैक कार्बन एमिशंस, क्योंकि डीजल जिसको हम डर्टी ऑयल कहते हैं और डीजल यहाँ पे यूज किया जाता है। भाई थर्ड क्वेश्चन, पीपल हु वर्क रिमोटली वाइल ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेंडिंग देयर अर्निंग इन द होस्ट कंट्री आर कॉल्ड एज, है ना भाई, क्या है, बंदे है जो भटक कर रहे हैं, भटकती आत्मा है ना, भटक रहे रिमोटली, वर्क रिमोटली यानी जहां काम करना है वहां काम नहीं कर रहे, कहीं दूर से काम कर रहे, वर्क फ्रॉम होम जैसे कोविड में हमने देखा तो रिमोटली कर रहे, घूम रहे इधर उधर और जहां घूम रहे वहां पैसे कमा भी रहे और खर्चा भी कर रहे। पैसे कमाने का जरिया कहीं और है, मतलब वर्क किसी और के लिए कर रहे और कहीं और है। तो रिमोट वर्किंग और वांडरिंग और स्पेंडिंग, ऐसा तीन कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, नेटिजन्स, डिजिटल नोमैड्स, रिमोट वर्कर्स और नेट जॉबर्स, क्या कहते हैं, क्लिक करूं, ओके चलो आंसर इज बी डिजिटल नोमैड्स। नोमैड यानी भटकती आत्मा, भटकते रहते, नोमैड्स मीन्स भटकने वाले, ओके। डिजिटल मतलब इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो वर्क करते हैं, जिनको ऑनलाइन वर्क होता है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं डिजिटल नोमैड। नेटिजन्स जो है वो नेटवर्क पर काम करने वाले जो होते हैं बहुत सारे टाइम पास लोग, उसको नेटिजन्स, ओके। रिमोट वर्कर्स ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिमोट वर्कर्स और डिजिटल नोमैड में थोड़ा सा फर्क है। रिमोट वर्कर्स जो होता है वो इस ढंग से डिजिटलाइज वर्क नहीं करता। देखो भाई ये भटकती आत्मा कहाँ बैठा है, फुल टाइम पास नेशनल पार्क में वगैरह कहीं बैठा होता है जंगल में और काम कर रहा है। इंडोनेशिया में न्यूज में इसलिए आया कि भाई इंडोनेशिया में हाल ही में लोगों को कहा है कि भाई आप भटकते भी रहो और काम भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ऐसा वीजा प्लान बनाया है कि आप हमारे आओ, टूरिज्म बढ़ जाएगा, हमारे आओ, हम यहाँ पे बिंदास खर्चा करो, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे भाई, तो मस्त घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2020 के हिसाब से इंडिपेंडेंस, स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका, यहाँ पे कंपनी जो थी एमबीओ पार्टनर्स, इन्होंने डेफिनेशन बनाया, क्या है, डिजिटल नोमैड्स आर पीपल हु चूज टू एम्ब्रेस अ लोकेशन इंडिपेंडेंट, कहीं पे भी रहेंगे भाई, है ना, टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड लाइफस्टाइल, बम ऑनलाइन वगैरह सब चल रहा है, दैट अलाउज देम टू ट्रैवल एंड वर्क रिमोटली, अब ऑनलाइन रहने की वजह से वो कहीं से भी जा सकते हैं, एनीवेयर इन द इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड, क्योंकि सारी दुनिया कनेक्टेड हो चुकी है। खैर हमारे यहाँ पे भी तो लगता नहीं भाई, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन खैर एडवांस कंट्रीज अच्छा नेट दे रही है। अनलाइक रेगुलेट रिमोट वर्कर्स हु टेंड टू स्टे इन वन ज्योग्राफिक एरिया, एक जगह रुके रहते हैं रिमोट वर्कर्स, लेकिन डिजिटल नोमैड भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा बनते हैं और अपने एक्सप्लोर करते रहते हैं, साथ में काम भी करते रहते हैं, सो ऑल इन वन, ठीक है। कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ये फैसिलिटीज अभी दी, तो हाल ही में हम देखते हैं इटली ने 90 डेज का वीजा बना दिया, कोई मतलब ये वीजे की जरूरत नहीं, 90 डेज रहो भाई बिंदास। दूसरा है एंटीगुआ और बाबुडा जो है, इसने 2 साल का वीजा बना दिया ट्रैवलर को और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दिया। बारबाडोस बोलता है कि 1 साल का वीजा देंगे भाई और एक्सटेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम। बाद में क्रोशिया है, कोस्टारिका है, जॉर्जिया है, हंगेरी है, आइसलैंड है, मॉरिशस है, नॉर्वे, स्पेन, इन्होंने भी बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज दी ताकि डिजिटल नोमैड्स बिंदास्त वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते, यानी टूरिज्म भी बढ़ेगा और काम भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ एन एंटरप्राइज मेजर्ड, सॉल्वेंसी रेशियो एक एंटरप्राइज जो है, एक कंपनी है, वो क्या मेजर करती है, ए एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस, बहुत लॉन्ग टर्म जो डेप्ट ऑब्लिगेशंस है उसकी उसको सहन करने की ताकत, यानी उसको
पे करने की ताकत, एबिलिटी टू मीट। बी कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट अबाउट द टारगेट, जो टारगेट है उससे ज्यादा कमाने की कैपेसिटी। सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट रेशियो, इसका जो है रेशियो मेजर करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगता है और आउटपुट। डी टोटल एसेट वैल्यू आफ्टर बैंकक्रप्टसी टू मीट ऑल डेट पेमेंट्स, यानी कंपनी बर्बाद हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, उसके बाद का जो टोटल एसेट वैल्यू होता है ताकि उसका डेब्ट ऑल पेमेंट दे दे सके, इस ढंग से जो होता है वो मेजर करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो होता है। चार ऑप्शन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, समझ गया, आया, क्लिक करूं, चलो क्लिक करता हूं, यस, मैच करो भाई आंसर। आंसर इज ए इकोनॉमी है, थोड़ा झेलो, है ना, थोड़ा सा होता है गूगली। सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशंस, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल डेब्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब, सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं तो लॉन्ग टर्म भी, ये एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंसी रेशियो। ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो, हाई सॉल्वेंसी रेशियो, हाई एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशंस। भाई छाता लेके बैठा है, यानी प्रोटेक्शन है भाई। प्रीमियम मोबिलाइजेशन जनरल इंश्योरेंस लूज मार्केट शेयर इन जून क्वार्टर। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो इज अ नेट इनकम एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो भाई, नेट इनकम एंड डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द लायबिलिटीज। इट्स अ साइन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ एंटरप्राइज। कैसे बंदे की हालत है भाई एक एंटरप्राइज की, वो देखा जाता है। हाई रेशियो मतलब अच्छी हेल्थ, हाई रेशियो मीन्स अच्छी हेल्थ, ठीक है। अब मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो इंश्योरेंस कंपनी का रखा था 1.5 टू लोअर द रिस्क, यानी 150%। लेकिन चारों के चारों पीएसयू में सिर्फ अकेला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था जिसका रेशियो 1.5 से ऊपर था, बाकी सबका उससे नीचे। अब खास बात है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है इनके साथ वर्क करती है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर और अपना मुनाफा कमाती है थ्रू टेंडर प्रोसेस। अब टेंडर प्रोसेस में कंडीशन ये थी ये डिपार्टमेंट के और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कि भाई कम से कम 1.5 जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो है। अब इनका है नहीं भाई, तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते भाई इनको तो आप हटा दोगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, वाट लग जाएगी, तो आप ये जो है सॉल्वेंसी नॉर्म्स वो थोड़ा सा शिथिल कर दो, यानी काम कर दो भाई, है ना। अब देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पीएसयूज, इनकी वाट क्यों लगी है कि गवर्नमेंट ने कहा भाई प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान मत दो, मार्केट टैपअप करने के पीछे मत लगो। अब मार्केट टैपअप नहीं कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर टैपअप कर रहे हो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज अ मच मोर एग्रेसिव, और मार्केट बेस नहीं बनने की वजह से जो सॉल्वेंसी रेशियो कम हो गया है। लास्ट क्वेश्चन भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन, द ग्लोबल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कुड ट्रिगर फाइनेंशियल चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बिकॉज ऑफ दियर हाई डिपेंडेंस ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। स्टेटमेंट यह है कि भाई फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी के जब तरफ बढ़ रहे, ग्लोबल लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसे इनकी वाट लगने वाले, फाइनेंशियल चैलेंज आने वाला है। व्हाई? बिकॉज कि ये फॉसिल फ्यूल से जो रेवेन्यू है उस पर इनकी दारोमदार ज्यादा है, एक स्टेटमेंट। दूसरा, फॉसिल फ्यूल जनरेटेड निगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यू टू इट्स हाई हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। फॉसिल फ्यूल जो होता है ये इकोनॉमिक इंपैक्ट निगेटिवली डालता है क्योंकि इसके वजह से हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉस्ट बढ़ जाती है। दो स्टेटमेंट्स है, आपको चूज करना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लिक करें, ओके, चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो है अपने आंसर। आंसर इज सी, वन एंड टू, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भाई ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा ध्यान में रखो, बिकॉज ऑफ दियर हाई डिपेंडेंस ऑन रेवेन्यू, है ना, क्या है देख लेते हैं। चलो भाई ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस द रेवेन्यू से IISD, International Institute for Sustainable Development, जो विनिपिग में कनाडा, ये एनजीओ है भाई, ये एनजीओ है। और अर्थ समिट जब हो गई थी तब कनाडा ने प्रॉमिस किया था कि भाई इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, थिंक टैंक बनाएंगे, इसलिए ये थिंक टैंक उन्होंने बनाया है।
है ना। ये थिंक टैंक बहुत सारी रिपोर्ट देती है, वो चाहती है कि फ्यूचर वर्ल्ड जो है वो हेल्दी रहे, इसके लिए अक्सर कोशिश करते रहती है। तो ये एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है माना कि नेट इम्पोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम जो है फॉसिल फ्यूल नेट इम्पोर्टर है, लेकिन उसके वजह से हम अर्न करते हैं बहुत सारे सेस और टैक्सेस और उसके बदौलत हमारी इकोनॉमी चलती है, तो रेवेन्यू जनरेशन उससे होता है भाई, है ना, जबकि डिपेंडेंस है। अब बड़ा मुश्किल है इसके वजह से। 2050 के कंडीशन में देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल का रेवेन्यू जो है ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, इनका थर्ड से कम होने वाला है ना। इट कुड बी एज मच एज $570 बिलियन लोअर देन द बिजनेस एज यूजुअल, अभी के हालात से उससे कम होने वाला है, यानी वाट लगने वाले है, ये क्लियर है। फिलहाल में पब्लिक रेवेन्यू जो है फॉसिल फ्यूल से, तो रशिया का 34% है, इंडिया का 18% है, इंडोनेशिया का 16% है, यानी काफी बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो है फॉसिल फ्यूल से है। तो हमने अभी तक रेवेन्यू सोर्स दूसरे तरफ से सोचे ही नहीं, सो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस डर्टी फ्यूल, और उसके वजह से हम अभी पूरे फिक्स हो गया है। अभी देखा जाए तो डेवलप कंट्री में इसका रेशियो जो है विज़ाविज़ द जीडीपी काफी कम है, और इसी वजह से ट्रांजिशन फेज में उनको तकलीफ नहीं होने वाली है। सो दोस्तों, पांच क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, थोड़े कुछ अलग है, अच्छे से पढ़ो यार और अच्छे मार्क्स लो। ऑल द बेस्ट।